to all of you. So today is our second day. First of all, देखो हम लोगों ने कल क्या देखा था. We have just understood the subject ethics, governance and sustainability. जिसमें हमने ethics का basic meaning देखा. Ethics क्या है? पाप है. Personally accepted principles. जो एक individual से या group of individuals से जुड़ा होता है. Ethics is always for individual or group of individuals. फिर ये एथिक्स का गवर्नेंस में क्या रोल है. गवर्नेंस एक्चुअली टॉक्स अबाउट कॉरपोरेट गवर्नेंस. और जब हम एथिक्स कहते हैं तो एथिक्स इज ऑलवेज नीडेड इन बिजनेस. और जब बिजनेस की हम बात करते हैं तो कंपनीज आर इनटू बिजनेस. तो हम देखते हैं व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस. बिकॉज बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है वो किसकी देन है? सोसाइटी की देन है. बिजनेस में जो मैन मटेरियल्स मनी, बिजनेस में जो एम्प्लॉयज मैनेजर्स, बिजनेस के जो कस्टमर्स कंज्यूमर्स, जो ये तीनों स्टेप्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट में हमें हेल्प करते हैं, वो सारे कहां से बिलोंग करते हैं? सोसाइटी से बिलोंग करते हैं. तो इन रिटर्न सोसाइटी बिजनेस से एक्सपेक्ट करता है कि अगर बिजनेस का पूरा प्रॉफिट सोसाइटी की देन है तो इन रिटर्न देर इज समथिंग विच सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिजनेस एंड दैट इज एथिकल बिजनेस. नंबर वन. नंबर टू, इट इज द ड्यूटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स स्टेक होल्डर्स ऑल्सो. अब स्टेक होल्डर्स क्यों कहते हैं हम? देखो स्टेक होल्डर्स इज अ वाइड टर्म. स्टेक होल्डर्स के अंदर इनसाइडर्स आउटसाइडर्स दोनों आते हैं. हर वो व्यक्ति जिसके ऊपर बिजनेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा, इंपैक्ट होगा, वो हमारा स्टेक होल्डर होगा. अगर बिजनेस एथिकल होगा तो स्टेक होल्डर्स पर बिजनेस का इंपैक्ट पॉजिटिव होगा. अगर स्टेक होल्डर्स के ऊपर इंपैक्ट मान लो नेगेटिव हो गया तो ये अनएथिकल बिजनेस की निशानी है. अरे ये सुनो, तो हम कहते हैं बिजनेस का फर्ज है कि स्टेक होल्डर्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे. वो तभी पॉसिबल है जब बिजनेस एथिकल होगा. नंबर टू. नंबर थ्री, अगर बिजनेस एथिकल होगा तो बिजनेस का खुद का गुडविल तो बढ़ेगा, बट जिस नेशन से, जिस देश से वो बिजनेस बिलोंग कर रहा है, मैक्सिमम बिजनेस अगर एथिकल होंगे तो देश का भी नाम ऊंचा होगा. सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नेशन एज अ होल, हमें बिजनेस में एथिक्स की जरूरत पड़ती है. तो कल हमने देखा था व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस, और हमने एथिक्स के बारे में देखा सिर्फ. फिर कल हमने गवर्नेंस इस टर्म को समझने की कोशिश की. गवर्नेंस किसे कहते हैं? गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? सब लोग ज्वाइन करो प्लीज. डिसीजन मेकिंग. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें कॉर्पोरेट वर्ड छुपा हुआ है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? कंपनीज डिसीजंस. अब ये जो कंपनी के डिसीजंस होते हैं ये नॉर्मली पहले कौन लेते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म आने की वजह से अब कंपनी के डिसीजंस कमिटीज ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं. अब इन कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को ध्यान रखना है कि उनके डिसीजंस के लिए वो अकाउंटेबल है. क्या है? अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है. और वो अपने डिसीजन सही तरह से ले रहे कि नहीं, इसलिए उन पर कंट्रोल भी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्म आने की वजह से हम कह सकते हैं इनके ऊपर की जिम्मेदारी बड़ी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर से, क्योंकि वो हर डायरेक्टर कोई ना कोई कमिटी में है. तो हमने देखा अगर आपको सही डिसीजंस लेने हैं, अगर आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस करना है कंपनी के अंदर, तो वो लेने के लिए आपका जो रवैया है, आपकी जो सोच है, वो एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स वाली होनी चाहिए. बिकॉज जिस बिजनेस में एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स होंगे वहां पर डिसीजंस क्या होंगे? ऑप्टिमम होंगे, बेस्ट होंगे, जहां पर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस टू द मार्क होंगे. और अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाकई में ला पाए, बेस्ट डिसीजंस दे पाए, तो हमारा बिजनेस लंबे समय तक क्या रहेगा? सस्टेनेबल रहेगा. सस्टेनेबल मतलब क्या? वी कैन से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मिलेगा. देखो जब बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी की बात करती है ना, तो बिजनेस आपको समझना है, बिजनेस सस्टेनेबल तभी होगा जब बिजनेस को यह पता चलेगा कि बिजनेस एनवायरमेंट को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है. इट इज वेरी सिंपल. ध्यान दो, जैसे हमने देखा था बिजनेस सोसाइटी पर डिपेंडेंट है, दोस्तों ध्यान रखना बिजनेस एनवायरमेंट पर भी डिपेंडेंट है. बिजनेस अगर सोसाइटी पर डिपेंडेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट पर भी डिपेंडेंट है. कैसे? हम उसे इकोलॉजी कहते हैं. क्या कहते हैं? इकोलॉजी. इकोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं. सी वेरी सिंपल, बिजनेस को एनवायरमेंट से क्या मिलता है? बिजनेस को एनवायरमेंट से मटेरियल्स मिलते हैं, बिजनेस को एनवायरमेंट से एनर्जी मिलता है, बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर वेस्ट डिस्पोजल करता है. अच्छा, एनवायरमेंट बिजनेस से कैसे होता है? प्रभावित होता है. बिजनेस की जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो एनवायरमेंट को प्रभावित करती है. अब अगर बिजनेस की कमर्शियल एक्टिविटीज पोल्यूशन, या कोई हम कह सकते हैं पोल्यूटिंग एक्टिविटीज जो बिजनेस की होती है, उसकी वजह से एनवायरमेंट प्रभावित हुआ, तो एनवायरमेंट से मिलने वाला जो मटेरियल है और एनवायरमेंट से मिलने वाला जो एनर्जी है वो एक समय के बाद रुक जाएगा
और बिजनेस को ये समझना है कि बिजनेस पूरा की पूरा जैसे सोसाइटी पर डिपेंडेंट है वैसे एनवायरनमेंट पर भी डिपेंडेंट है, तो बिजनेस को एनवायरनमेंट का भी प्रॉपर केयर लेना जरूरी है, बिकॉज जितना बिजनेस एनवायरनमेंट का केयर लेगा इन रिटर्न बिजनेस को ही फायदा होगा, और इसी को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्टेनेबिलिटी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सस्टेनेबिलिटी ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेस सोसाइटी का, बिजनेस एनवायरनमेंट का और बिजनेस अपने साथ अपने बिजनेस से जुड़े हुए लोगों का, तीनों का क्या करे? प्रॉपर केयर ले, प्रॉपर केयर ले, जिसको हम अक्सर कहते हैं CSR कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच टॉक्स अबाउट 3R प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? 3R। वो जो 3R प्रिंसिपल है ना, जिसको कल के डिस्कशन को मैं कंटिन्यू कर रहा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3R प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस 3R प्रिंसिपल ऑफ CSR? तो आई विल से द 3R प्रिंसिपल फोकसेस ऑन रिस्पेक्ट, इट फोकसेस ऑन रिलेशनशिप, इट फोकसेस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट फोकसेस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब रिस्पेक्ट की बात आती है 3R प्रिंसिपल में, रिस्पेक्ट टॉक्स अबाउट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दी पीपल। रिलेशनशिप की जब बात आती है इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप टुवर्ड्स सोसाइटी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है इट टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट। देखो दोस्तों, बिजनेस को अपने लोगों से, जो बिजनेस से लोग जुड़े हैं उन लोगों के प्रति क्या दिखाना है? रेस्पेक्ट दिखाना है। बिजनेस को अपने सोसाइटी के प्रति अपनी रिलेशनशिप को निभाना है, और पर्यावरण एनवायरमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना है। जब बिजनेस ये तीनों 3R कंसेप्ट को फॉलो करेगा तो हम कहेंगे बिजनेस इज फॉलोइंग CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं कहता हूं समाज के प्रति जिम्मेदारी, इट डजंट ओनली फोकस ऑन सोशल, इट ऑल्सो फोकस ऑन द पीपल एंड द एनवायरमेंट। अरे बोलो भाई, सब लोग है मेरे साथ? तो व्हेन आई टॉक अबाउट पीपल, ऑलवेज यू कीप इन माइंड, पीपल मतलब वो लोग जो बिजनेस को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर क्या करते, कॉन्ट्रीब्यूशन देते। व्हेन आई टॉक अबाउट सोसाइटी, इट ऑल पीपल अफेक्टेड बाय द बिजनेस, द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस। व्हेन आई टॉक अबाउट एनवायरमेंट, इट इज द, वी कैन से सराउंडिंग इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स, एनवायरमेंट। अब अगर मैं इस पीपल को इकोनॉमिक से जोड़ू, मतलब प्रॉस्पेरिटी या प्रॉफिटेबिलिटी से जोड़ू, तो वी ऑलवेज कॉल दिस एज इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR के अंदर हम कहते हैं व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल अबाउट बिजनेस, बिजनेस की जिम्मेदारी सबसे पहले खुद को क्या करना है, खुद को प्रॉफिटेबल बनाना है। देखो, आप एनवायरमेंट का केयर तभी ले सकते हो, आप सोसाइटी के प्रति रिलेशनशिप को तभी निभा सकते हो जब आपका बिजनेस खुद प्रॉफिटेबल होगा, वरना आपके बिजनेस में लाने पड़े, आपका ही बिजनेस लॉस मेकिंग है और आप नहीं बोल रहे हो एनवायरमेंट का मुझे केयर लेना चाहिए, मुझे सोसाइटी के प्रति रिलेशनशिप को निभाना चाहिए। वो कहते हैं इट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्ट अपने आप को क्या करो, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबल बनाओ, उसके बाद आप सोशल और एनवायरमेंटल के बारे में सोच सकते हो, और इसको हम कहते हैं सी, सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। जब ये तीनों अटी होगा तो हम सस्टेनेबिलिटी के तक पहुंच सकते, वी कैन अटेन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या जरूरी है? सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना। यहां पर सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, जो बेसिक्स हम जस्ट मीनिंग समझने की कोशिश करें। हमारा जो सब्जेक्ट है एथिक्स, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, मैंने तीनों का सिर्फ मीनिंग बता दिया आपको अभी तक। सो बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट डिस्कशन, मुझे बोलो एथिक्स, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों में सबसे पहले आपके पास क्या आता है, क्या होना चाहिए आपके पास एज अ ह्यूमन बींग, क्या होना चाहिए? एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अगर आपके पास वो होंगे तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो डिसीजंस है वो ज्यादा बेस्ट और ऑप्टिमम ले पाओगे, इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड इन द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर पाओगे, बिकॉज यू विल ऑलवेज फॉलो ऑन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। अगर आप एथिक्स फॉलो करोगे तो आप गवर्नेंस अटेन कर सकते हो, और अगर जो बिजनेस में अच्छा गवर्नेंस होगा अपने आप उस बिजनेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी मेंटेन होने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए ये तीनों एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, एथिक्स, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी। नाउ अगर मुझे
ये जो पूरा एथिक्स गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी का बेसिक्स अगर आपको समझाना है व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो मैं वहां पर लिखूंगा, आई अज्यूम यू ऑल आर राइटिंग बेसिक्स ऑफ एथिक्स कॉमा गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। अब जब मैं बेसिक्स इन तीनों के बारे में लिखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, तो फर्स्ट बेसिक पॉइंट जो आता है वो है मीनिंग ऑफ एथिक्स। फिर आता है उसी में एथिक्स के अंदर मीनिंग या मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। फिर हम कहेंगे नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। फिर हम कहेंगे स्टेक होल्डर्स कौन है ये मुझे पता होना चाहिए। फिर हम कहेंगे एथिक्स वर्सेस मॉरल्स हमें पता होना चाहिए। देन नंबर फाइव हम कहेंगे हमें एथिकल डायलेमा क्या है और उसके स्टेप्स क्या है एथिकल डायलेमा के वो पता होना चाहिए। फिर हमें महात्मा गांधी के सेवन सोशल सीन्स समाज की सात बुराइयां क्या है महात्मा गांधी जी के अनुसार जो एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना वो हमें पता होना चाहिए। गांधी जी के जैसे तीन बंदर थे वैसे सेवन सोशल सीन्स भी थे सात समाज की बुराइयां वो हम देखेंगे। फिर हमें एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है एथिकल स्टैंडर्ड्स द फाइव सोर्सेस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स एथिकल स्टैंडर्ड्स के फाइव सोर्सेस कितने सोर्सेस फाइव सोर्सेस वो पता होना चाहिए। फिर हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट में कॉरपोरेट गवर्नेंस जो कंसेप्ट है जो गवर्नेंस के अंदर आएगा उसके अंदर हमें उसका कॉरपोरेट गवर्नेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग के साथ साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉरपोरेट गवर्नेंस के वो पता होना चाहिए गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस के। फिर हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट्स क्या है वो समझना है। उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर नाइन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम क्या कहते हैं CSR उसके बारे में हम समझेंगे जिसमें हम कहेंगे CSR के अंदर CSR का मीनिंग एंड द नीड ऑफ CSR एंड बेनिफिट्स ऑफ CSR। CSR का मतलब CSR हमें क्यों लगता है वाई वी नीड CSR और CSR के बेनिफिट्स क्या है ये तीन चीजें हमने समझ ली तो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी कर लिया है एंड वी आर रेडी नाउ फॉर दिस सब्जेक्ट ये मान लेंगे। हम डायरेक्टली सब्जेक्ट में जाएंगे ना तो इट विल बी लाइक कॉमन स्टूडेंट्स कीप दैट इन माइंड जो सिर्फ पढ़ने और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं टू फर्स्ट अंडरस्टैंड सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में हमने अभी तक क्या देखा है सब्जेक्ट का टाइटल देखा है फिर अभी सब्जेक्ट के टाइटल के अनुसार जो एथिक्स गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी टर्म्स है उसको हम क्या कर रहे हैं वन बाय वन। अगर आप देखोगे इसमें फर्स्ट थिंग मीनिंग ऑफ एथिक्स हम देख चुके ऑलरेडी। बिजनेस एथिक्स क्या होगा कोई बोलेगा मुझे बिजनेस एथिक्स क्या है व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। एथिक्स तो हम कहते हैं पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है देन व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। हाँ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एक्सेप्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन मैं कहूंगा बिजनेस एथिक्स क्या ध्यान दो एक इंडिविजुअल के जो एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स है जो उसके पर्सनल प्रिंसिपल्स है वही अगर वो अपने बिजनेस के अंदर अलग अलग सिचुएशंस में फॉलो करेगा तो हम कह सकते हो बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहा है। देखो कुछ लोग ऐसे नहीं होते पर्सनल लाइफ में वो भले ही एथिकल होंगे बिजनेस में वो हाईली अनएथिकल होते तो ये लोग बिजनेस एथिक्स फॉलो नहीं करते। देखो हम कह सकते हैं जैसे आप बाहर से हो वैसे अंदर से होना चाहिए तो ये बिजनेस एथिक्स क्या कहता है इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स। बिजनेस एथिक्स में हम कहते हैं अ सेट ऑफ टेक्निक्स ऑफ व्हाट द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स विच द इंडिविजुअल यूजेस और कैरीज एंड अप्लाइज दोज इन हिज बिजनेस सर्कमस्टेंसेस इन द वेरियस सिचुएशंस ही फेसेस इन द बिजनेस। फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपने प्रिंसिपल्स के तहत हाईली हम कह सकते हैं ऑनेस्ट है हाईली एथिकल है ही इज ऑलवेज बिलीव्स इन ऑनेस्टी बट इन हिज पर्सनल लाइफ
Whereas in business, he cheats his customers. He deceives his customers. Can we say that the person who individually is honest in his personal life, in his family, friends, everywhere, in business is ethical? No. Business ethics talks, jaise aap personal life mein ho, waise business ke andar follow karo, to hi aap business ethics follow karo. You can't, business ethics short term nahi hai, wo ek common phenomenon hona chahiye. Wo tabhi possible hai, jab aapke paas, khud ke paas kya hai, ethical values or principles hai. Dhyan do. Aray, main jo bolo, samajh rahe ki nahi? तो अगर बिजनेस एथिक्स और एथिक्स हम समझते हैं, अगला टर्म जो नीड फॉर बिजनेस एथिक्स है, क्या हमने देखा है क्या? तीन इंपॉर्टेंट रीजंस देखे, आई हैव रिवाइज दैट इन द बिगिनिंग टुडे. स्टेक होल्डर्स टर्म हमने देखा, स्टेक होल्डर्स इनसाइडर्स आउटसाइडर्स. स्टेक होल्डर्स इलस्ट्रेटिव है कि एग्जॉस्टिव है? इलस्ट्रेटिव है. अ लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स इज एन नंबर, हर वो लोग जो इंपैक्ट होंगे पॉजिटिवली या नेगेटिवली. एथिक्स वर्सेस मॉरल, अब मुझे बोलो एथिक्स वर्सेस मॉरल जब मैं कहता हूं, प्लीज ऑल ऑफ यू, हमने कल देखा था एथिक्स का मीनिंग क्या था, पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स. व्हाट आर मॉरल्स? बट वो तो किसको एप्लीकेबल है, वैसा कहते मॉरल्स क्या है. माय पॉइंट इज मॉरल्स क्या है, जस्ट अ मिनट. What is morals? Morals are customs. Morals are customs. Morals are tradition. Moral customs, traditions, parampara hai. Moral has been derived from the, aap chaho to jo main bol raha hu likh sakte ho basics mein. Moral has been derived from the Latin word mos. Mos matlab customs. Customs, traditions. Chaho to main aapko likh kar deta hu. Idhar main likhta hu morals. इधर लिखता हूं एथिक्स. दोनों का डिफरेंस ही देखना है वैसे भी. मॉरल का लैटिन वर्ड है, क्या है? मॉस. मॉस का मतलब क्या है? कस्टम्स, ट्रेडिशंस. जो परंपरा सालों से चलती आ रही है वही चलती रहेगी. बट एथिक्स क्या है? एथिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड एथिकॉस. ग्रीक वर्ड एथिकॉस या फिर एथॉस भी कहते हैं उसे. एथॉस जिसका मतलब क्या पता है? कैरेक्टर. एथॉस इस वर्ड का मतलब क्या पता है? कैरेक्टर. और मॉस जो है मॉरल्स का, उसका मतलब क्या? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. देन हम कहते हैं मॉरल्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली, रिलीजन, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. बट एथिक्स आर पर्सनल प्रिंसिपल्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. मॉरल्स हम कह सकते हैं पूरे सोसाइटी से रिलेटेड है. वेरास एथिक्स एक इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है. इंटरेस्टिंग पॉइंट अगला है जो हम कहते हैं मॉरल्स इज नैरोवर इन स्कोप. मॉरल्स इज नैरोवर इन स्कोप. एथिक्स इज वाइडर इन स्कोप. सर कैसे? दैट इज द फैक्ट. मॉरल्स इज नैरो इन स्कोप, एथिक्स इज वाइडर इन स्कोप. कोई बोलेगा कैसे? फैन बंद करना. बोलो. मॉरल्स इज नैरो इन स्कोप. मैं आपको 100 मॉरल्स गिना सकता हूं, बट मैं आपको 10 एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स नहीं गिना सकता. 100 मॉरल्स गिना सकता हूं बट 10 एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल्स नहीं गिना सकता. बिकॉज जो मेरे लिए एथिकल होगा किसी और के लिए कुछ और होगा. मतलब हम कह सकते हैं एथिक्स इज वाइडर इन स्कोप, वेरस मॉरल्स इज नैरो इन स्कोप. हम कह सकते हैं अगला पॉइंट, मॉरल्स टीचेस अस व्हाट इज गुड और व्हाट इज, सॉरी, मॉरल्स टीचेस अस व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग.
एंड एथिक्स टीचेस अस व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड. ध्यान रखना, हमें हमारे धर्म से क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये पढ़ाया जाएगा. बट हम अक्सर हमारे घर वालों को कहते हैं मेरे लिए क्या गुड है क्या बैड है मुझे पता है. आई नो बेटर व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर मी. अरे यस और नो. तो इंडिविजुअल गुड और बैड से रिलेट करेगा, वेयर एज मॉरल्स विल रिलेट टू द राइट और रॉन्ग बिहेवियर. ये जो डिफरेंसेस मैंने लिख कर दिए जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एथिक्स और मॉरल में डिफरेंस क्या है. तो अगर कोई बोले एथिक्स और मॉरल सेम है क्या, नहीं. आप सबने स्कूल्स में मॉरल साइंस पढ़ा होगा. मॉरल साइंस में आप पढ़ते थे मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कहीं पर ऐसा पढ़ा एंड में एथिक्स ऑफ द स्टोरी इज, नहीं. मतलब मॉरल्स और एथिक्स क्या है एकदम अलग है. आई होप एवरी वन एग्रीज विद दैट. सो जो पॉइंट है एथिक्स और मॉरल्स का मीनिंग और उसका डिफरेंस वी हैव डिस्कस इट. नाउ वी कम टू दैट टर्म विच इज नोन एज एथिकल डायलेमा. ये आपके दो चैप्टर्स है एथिक्स में, आपको कितने चैप्टर्स है, दो. उन दोनों चैप्टर्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कंसेप्ट है तो वो एथिकल डायलेमा है, और उसका भी हम बेसिक्स देख रहे हैं. एथिकल डायलेमा और उसके स्टेप्स, सब लोग वहां पर लिखो एथिकल डायलेमा, लिखो एथिकल डायलेमा. और कोई मुझे बोलेगा जो यहां पर सब लोग बैठे हैं, एथिकल डायलेमा में डायलेमा का मतलब क्या है, व्हाट इज डायलेमा, व्हाट इज डायलेमा. ओके, डायलेमा मतलब किसी ने कहा है कंफ्यूजन. एनीथिंग एल्स? वर्चुअल स्टूडेंट्स आप मैसेज करो, मैं बता दूंगा आपको सही हो कि नहीं, करके तो देखो मैसेज. बोलो डायलेमा का मतलब कंफ्यूजन, और मतलब क्या एथिकल डायलेमा, मतलब एथिकल कंफ्यूजन. डायलेमा का मतलब कंफ्यूजन. ओके, आई विल टेक दैट वर्ड. डायलेमा मींस कंफ्यूजन. मेरे सामने अब ध्यान रखो, जब किसी ने कहा डायलेमा मतलब कंफ्यूजन, मेरे दिमाग में कुछ थॉट आ रहा है. जब आपके सामने एक प्रॉब्लम है, ध्यान दो, आपके सामने एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के चार सॉल्यूशंस है, चार में से तीन गलत है एक सही है, क्या हम उन एक प्रॉब्लम के चार सॉल्यूशंस है, तीन गलत है एक सही है और आपको चूज करना है कौन सा सही है, तो क्या हम उसे डायलेमा मानेंगे? नहीं, उसे हम डिसीजन मेकिंग मानते. ध्यान रखो, आपके सामने एक प्रॉब्लम है जिसके चार सॉल्यूशंस है, चार में से तीन गलत है एक सही है, तो उसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं और उसे सीएस फाउंडेशन कहते हैं. प्रैक्टिकली अगर देखा गया तो एक प्रॉब्लम है जिसके चार सॉल्यूशंस है, उनमें से तीन गलत है एक सही है, आपको डिसाइड करना है कौन सा सही है, उसके ऊपर आपके मार्क्स है, दैट इज डिसीजन मेकिंग. तो फिर डायलेमा क्या है सर? डायलेमा क्या है? आपके सामने एक प्रॉब्लम है जिसके चार सॉल्यूशंस है और चारों सही है. आपके सामने एक प्रॉब्लम है जिसके चार सॉल्यूशंस है और चारों सही है, तो उस वक्त आपको चूज करना है कि आपके लिए ज्यादा सही कौन सा होगा, उसको हम डायलेमा कहते हैं. अब सर ये तो हुआ एक मीनिंग ऑफ डायलेमा. सर इसका एक एग्जांपल दो, एक सीरियस एग्जांपल पहले देखते हैं फिर एक फनी एग्जांपल देखते हैं. पहले सीरियस एग्जांपल देखते हैं, एथिकल डायलेमा बिजनेसेस में कैसे होता है. मान लो जस्ट इमेजिन करते, देखो इमेजिन करने के लिए कुछ नहीं जाता है, मेरी एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है. इमेजिन करते ना, एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है और मैं उस फार्मा कंपनी का हेड हूं, मैं प्रमोटर हूं. मेरी फार्मा कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एवरीडे रिसर्च होता है. मेरे R&D डिपार्टमेंट के कुछ जो एग्जीक्यूटिव्स है, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स, भाग्येश, परितोष, श्रेयस, ऐसे जो तीन खास हमारे हुकुम के इक्के हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारे R&D डिपार्टमेंट ने एक ऐसी दवाई बनाई है जो दवाई खाने से एक सालों से चलते आ रही बीमारी दूर होगी. और ये दवाई उन्होंने बनाया है, फॉर्मूला उन्होंने इन्वेंट किया है, दे आर वेरी हैप्पी. अब ये दवाई ये जो दवाई जिस बीमारी के लिए, वो बीमारी अक्सर बच्चों में पाई जाती है और बच्चों में ये जो बीमारी पाई जाती है इसमें ड्रॉबैक सिर्फ इतना है, ये बीमारी 1,000,000 बच्चों में एक बच्चे को होती है. ये बीमारी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, 1,000,000 बच्चों में एक बच्चे को ये बीमारी होती है. बट ये बीमारी के लिए आज तो कोई दवाई नहीं थी और इन्होंने, हमारी R&D टीम ने इस दवाई को इन्वेंट किया. अब R&D डिपार्टमेंट ने मुझे उस दवाई का फॉर्मूला दे दिया है और कहा है अब आपको फैसला लेना है ये दवाई बनानी है कि नहीं. रीजन बताओ, नंबर 1, इस दवाई को बनाने के लिए जो रिसोर्सेस कंज्यूम होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा हेवी है, जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है वो बहुत ज्यादा है. बट उसके मुकाबले इस दवाई को
10 लाख बच्चों में एक बच्चा इस दवाई से पीड़ित, इस बीमारी से पीड़ित होता है जो ये दवाई कंज्यूम कर सकता है। अब मतलब इस दवाई के लिए ज्यादा कस्टमर्स नहीं होंगे। अब मैं, मेरे सामने मेरे R&D टीम ने वो फॉर्मूला रख दिया है, आई एम अ हाईली एथिकल पर्सन। तो अब ऐसे केस में वो दवाई मैंने बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, इसके स्कूल्स ऑफ थॉट मुझे आप लोगों से चाहिए। थिंक ऑन दिस, मैंने दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट आपको दिए। अगर हम दवाई बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्सेस काफी ज्यादा कंज्यूम होंगे, बदले में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। अगर हम नहीं बनाते हैं तो हमारा जो ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी की हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, इससे हम दूर भाग रहे। अरे बोलो भाई, सो थिंक ऑन दिस, गिव मी द सॉल्यूशन, बिकॉज नाउ यू आर इन एथिकल डायलेमा। एक प्रॉब्लम है और उसके दो सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। अब उन दो सॉल्यूशंस में से आपको दोनों सही लग सकते हैं, और जब ऐसा होता है तो समझना एथिकल डायलेमा में हो। अरे समझ रहे क्या एथिकल डायलेमा किसे कहते हैं, और एथिकल डायलेमा का सॉल्यूशन क्या होता है? चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। क्या कहते हैं हम? चूजिंग राइट फ्रॉम राइट इज एथिकल डायलेमा का सॉल्यूशन होता है। आपके सामने दोनों सॉल्यूशन है, मैं वेट कर रहा हूं बेसब्री से कि कोई तो बोले मुझे क्या सॉल्यूशन होगा इस सिचुएशन। हाँ, दवाई बनानी चाहिए। कैन यू जस्टिफाई दैट, व्हाई बनानी चाहिए? ओके, सो व्हाट इज नेम? यश का कहना है दवाई बना दो, दवाई को महंगी रखो, जो कॉस्ट होगा हम उन कस्टमर से रिकवर कर लेंगे और किसी की जान भी बच सकती है इससे। ओके, बट ये जो कॉस्ट है, देखो रिकवर करने के लिए 10 लाख बच्चे में एक बच्चे को हो रही है, और जो इन्वेस्टमेंट तुम करने वाले हो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, उसके मुकाबले ये कॉस्ट तुम कब तक रिकवर करोगे, और तुम्हारा ब्रेक इवन कब होगा? आई होप यू अंडरस्टैंड कॉस्टिंग। तो ब्रेक इवन कब होगा, उसके बाद प्रॉफिट कब अर्न करोगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। ओके, बट आई हैव गॉट योर पॉइंट। एनीवन एल्स? बोलो, शेयर योर ओपिनियन। हाँ, The decision should be taken on the basis of business is already profitable. Already profitable है या नहीं, मतलब what Shreyas is saying, business अगर highly profitable है ना तो आप लुटा दो, अब लुटा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, business highly profitable है, you can just go and spend. But अगर business profitable नहीं है तो भैया दवाई को बनाने के बारे में 10 बार पहले सोचो। Okay, that is also opinion I have got. Listen, if you ask me, मैंने आपको solution पहले ही दे दिया था। मैंने कहा था एथिकल डायलेमा में एथिक्स वर्ड आता है, जो मेरे लिए सही होगा आपके लिए कुछ और होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, एथिकल डायलेमा में जब आप फंसते हो आपको दो बातों पर ध्यान रखना है। नंबर वन, आपको जब सॉल्यूशन चूज करना है, सबसे पहले जो इंडिविजुअल जिसको डिसीजन लेना है उसके खुद के पर्सनल एथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स क्या है, पहले वो समझना है, नंबर वन। एंड नंबर टू, वो इंडिविजुअल का जो बिजनेस है उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखना है। ये दो पॉइंट्स को दिमाग में रख के आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल, हमने कहा, सर ने कहा पर्सनल एथिकल वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल एंड बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स दोनों को ध्यान में रख के डिसीजन लो। ये फॉर्मूला मान लो जिस फार्मा कंपनी को मिला है, वो फार्मा कंपनी मान लो एक प्राइवेट फार्मा कंपनी है, एक प्राइवेट फार्मा कंपनी है तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो हर बार किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उसके बदले में आने वाले रिवॉर्ड को समझेंगे, और उसको स्टडी करने के बाद दे कैन डायरेक्टली टेक अ डिसीजन व्हाट नॉट टू मेक द, बोलो, नॉट टू मेक दैट मेडिसिन। ओके, वो दवाई नहीं बनानी बिकॉज द ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज डिफीटेड। बट बिजनेस ऑब्जेक्टिव डिफीट हुआ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसका एथिकल वैल्यूज भी था कि भैया मेरा बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, एथिकल प्रिंसिपल्स वेयर फोकसिंग ऑन प्रॉफिट। बट मान लो जिस प्राइवेट फार्मा कंपनी के ओनर को ये सेम दवाई मिली है और उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है, बट उस ओनर के घर में किसी एक चाइल्ड की उसी बीमारी से डेथ हुई है, ना उसके पर्सनल एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स कह रहे हैं कि नहीं पैसा कितने भी लगो मुझे ये दवाई बनानी है। मैं जो बोलो समझ आएगा सबको? अब ऐसे केस में सेकंड, इसमें भी प्राइवेट कंपनी है सेकंड इसमें, बट अब ये प्राइवेट कंपनी दवाई बनाएगी,
पहले केस में वो प्राइवेट कंपनी नहीं बना रही है, दूसरे केस में बना रही है, दोनों डिसीजन सही है, दोनों अपनी जगह पर सही है। अगर ये दवाई एक पब्लिक कंपनी को मिलती है, दवाई का फॉर्मूला एक पब्लिक कंपनी को मिलती है, पब्लिक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक सर्विस, पब्लिक मोटिव, तो ऐसे केस में पब्लिक कंपनी है मान लो, तो वो हर बार रिसोर्सेस को कितना यूज हो रहा है वो नहीं देखेगा, पब्लिक का कितना बेनिफिट हो रहा है उसके बारे में सोचेगा। मतलब क्या, द डिसीजन वेदर टू मैन्युफैक्चर द मेडिसिन, वेदर टू वो दवाई बनानी है कि नहीं बनानी है, उसका फैसला ये सिचुएशन के अनुसार चेंज होगा, वही तो हम एथिकल डायलेमा में कहते हैं। तो एथिकल डायलेमा कहता है चूजिंग राइट फ्रॉम राइट एंड दैट टू व्हेन यू आर इन अ डायलेमा, वेरी सिंपल, सी योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सी योर पर्सनल एथिकल वैल्यूज एंड गोल्स, इन दोनों को जो ज्यादा मैच होगा ना वो आपको सोल्यूशन क्या करना है, चूज करना है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आएगा। अब ये सीरियस एग्जाम्पल के बाद एक फ्री एग्जाम्पल लेते हैं एथिकल डायलेमा का, यू हैव टू गिव मी द सोल्यूशन, आई होप यू शुड बी इन अ पोजिशन टू गिव मी द सोल्यूशन। परितोष नाम का एक बंदा सी एस हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, साल का उसको 12-15 लाख का पैकेज है, घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे हैं, परितोष ने काफी लड़कियां देख ली, मान लो परितोष को 5 लड़कियां पसंद आई, पर 5ों से तो शादी नहीं कर सकता परितोष। अब परितोष को चूज करना है इन 5ों में से किसी एक को, बट उसे लग रहा है 5ों सही है। अब परितोष को 5 में से एक को चूज करना है, तो परितोष डायलेमा में है कि नहीं, अरे है कि नहीं, यस इज इन डायलेमा। अब इस डायलेमा से अगर उसको बाहर आना है तो उसने क्या करना चाहिए, सर ने सोल्यूशन दे दिया, उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड उसके पर्सनल एथिकल वैल्यूज एंड गोल्स जो होते हैं उन दोनों को जो ज्यादा मैच होगा, उस लड़की का जिसका इन दोनों से ज्यादा मैच होगा, कॉम्पैटिबिलिटी होगा, उसको चूज करना चाहिए। मतलब मान लो परितोष डजंट वांट अ कंपनी सेक्रेटरी, 5 में से 1 सीएस है, कट गई, बचे 4। परितोष डजंट वांट अ डॉक्टर, 1 डॉक्टर है, कट गई। मतलब क्या, अपने पर्सनल एथिकल वैल्यूज एंड गोल्स और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए परितोष जो ज्यादा कॉम्पेटेबल होगा उसको चूज करेगा, हालांकि 5ों सही है। अरे समझ रहे कि नहीं, 5ों सही है, बट चूजिंग राइट फ्रॉम राइट इज एथिकल डायलेमा। अच्छा सर ये आपने कहा, बट इस एथिकल डायलेमा के इस सोल्यूशन तक पहुंचना कैसा है, इसके 5 स्टेप्स होते हैं परितोष, ध्यान रखो इसके 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, understand where exactly is the problem, what is the problem. Once you understand the problem, then find out various alternative solutions available for the problem. Find out various alternative solutions available for the problem. I hope you are getting it, all of you. पहले हमने क्या देखा है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, लिखना है लिख लो, एथिकल डायलेमा में पहले आप उधर लिख लो, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट, इसको हम एथिकल डायलेमा में एक उसका मीनिंग कहेंगे, चूजिंग राइट फ्रॉम राइट। और एथिकल डायलेमा के स्टेप्स अगर आप मुझे पूछोगे, स्टेप्स में नंबर 1 पहले से अंडरस्टैंड, बोलो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन नंबर 2 फाइंड द वेरियस, अरे बोलो alternative solutions available from the problem, alternative solutions available for the problem, then सारे solutions को find out करने के बाद नंबर 3 evaluate the best possible solution in the given circumstance, इसको evaluate करने के लिए, इसको select करने के लिए, best alternative solution, best possible solution को select करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए बोलो individual के, बोलो personal, बोलो पर्सनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखो। एट द सेम टाइम आप अगर किसी बिजनेस में हो तो बिजनेस का आपका जो ऑब्जेक्टिव है एंड गोल है उसको भी समझो,
देखो परितोष के केस में बिजनेस नहीं आएगा, परितोष के केस में सिर्फ क्या आएगा, पर्सनल। बट अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस एंड इंडिविजुअल दोनों देखना है आपको। आई होप यू गेटिंग इट। देन स्टेप नंबर फोर, आपने एक बार बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट कर लिया जो आपको उस सर्कमस्टेंसेस में बेस्ट लगता है। पॉइंट नंबर फोर, इंप्लीमेंट द सोल्यूशन। पॉइंट नंबर फाइव, टेक अ फीडबैक। परितोष, टेक अ फीडबैक। एक बार सॉल्यूशन इंप्लीमेंट हो गया उसके बाद फीडबैक लो कि जो आपने सोचा था वो वैसे हुआ कि नहीं, और अगर नहीं भी होता है तो टेक अ फीडबैक में उन्होंने कहा है ऑलवेज स्टैंड बाय योर, बोलो, डिसीजन। यू कैन नॉट चेंज योर डिसीजन लेटर ऑन, बिकॉज जिस सर्कमस्टेंसेस में आपने वो डिसीजन लिया था उस वक्त सब सही थे, उसमें से आपने एक को चूज किया, एक डिसीजन लिया, एक सोल्यूशन लिया, उसको इंप्लीमेंट किया, फीडबैक लो, और अगर आपको जो चाहिए उस तरह से वो फीडबैक में नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, यू कैन नॉट रन अवे, यू हैव टू स्टैंड बाय योर डिसीजन। ओनली पॉइंट इज यू हैव टू थिंक ऑन चेंजिंग योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स विल चेंज नाउ। ध्यान रखना पांच स्टेप्स इन एथिकल डायलेमा। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में हो उस प्रॉब्लम से आपको बाहर आना है, फीडबैक इसलिए जरूरी, ध्यान रखो। कई बार जैसे मैंने कहा फीडबैक के बाद ही अगेन आपका वो स्टेप्स आता है। फीडबैक से अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आपको अगेन क्या करना है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अगेन अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम इज। मैंने जब सोचा था उस वक्त तो सब सही था, अब प्रॉब्लम कहां पर है। परितोष, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड उसके बाद अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव सोल्यूशंस। आई होप नो वन इज टेकिंग इट पर्सनली, आई एम जस्ट गिविंग इट एन एग्जाम्पल। अगर ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आई एम जस्ट गिविंग यू। क्लियर है? एथिकल डायलेमा के पांच स्टेप्स मैंने बता दिए। और देखो मैंने कहा है दो चैप्टर्स है एथिक्स के, उन दो चैप्टर्स में अगर आप मुझे पूछोगे अभी तक सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो वो ये है, और अभी तक हमने दो चैप्टर्स को पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया। वी हैव गॉट टू नो व्हाट इज एथिकल डायलेमा। अब बढ़ू मैं आगे, अरे मुंह से बोलो। एथिकल डायलेमा के बाद महात्मा गांधी जी के सेवन सोशल सीन्स है, और उसके बाद एथिकल स्टैंडर्ड्स है। लेट अस सी द नेक्स्ट सिक्स एंड सेवन टर्म, और एटलीस्ट सिक्स टर्म इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। महात्मा गांधी के सेवन सोशल सीन्स। देखो गांधी जी ये कह गए समाज की सात बुराइयां आप समझ लो, और सात बुराइयों को अगर आप समझ लोगे तो आप हर वक्त इन बुराइयों से दूर रहोगे, तो आप हर वक्त कैसे रहोगे, एथिकल रहोगे, आप हर वक्त एथिकल रहोगे। गांधी जी का पहला समाज की जो सेवन सोशलिज्म में फर्स्ट सोशल सीन जिसको गांधी जी मानते थे वो है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। गांधी जी हर वक्त कहते थे अगर आप पॉलिटिक्स में हो और आपके पास क्या नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, तो पॉलिटिक्स आपका समाज के लिए क्या है, एक कलंक है, एक सीन है, ऐसा एन सीन, एक समाज के लिए कलंक की तरह साबित होगा अगर आप पॉलिटिक्स में हो और आप प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करो। इसका एग्जाम्पल मैं रामायण से देता हूं। देखो राम को भी पता था कि कैकेयी की वजह से ही राजा दशरथ उन्हें वनवास भेज रहे हैं। राम को यह पता था कि कैकेयी उनकी सौतेली माँ है और उनकी वजह से ही राजा दशरथ जो उनके पिता है उन्हें वनवास भेज रहे, बट फिर भी राम वॉज अ मैन ऑफ वर्ड्स, ही वॉज अ मैन ऑफ वैल्यूज बिलीव एंड प्रिंसिपल्स। ही बिलीव्ड हिज फादर, ही रिस्पेक्टेड हिज फादर, और उनका कहा उन्होंने अपने उसूलों को वैल्यू क्या दिया, प्रायोरिटी दिया। वो चाहते तो जाने से मना कर सकते थे, बट पॉलिटिक्स कोई कितना भी खेले आप आपके प्रिंसिपल्स को क्या करो, बरकरार रखो, वरना वो पॉलिटिक्स जिसमें आप प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते हो वो पॉलिटिक्स बहुत जल्दी समाज के लिए क्या बनेगा, एक कलंक की तरह साबित होगा। और राम अपने पिता की बात मानकर वनवास चले गए, बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिटिक्स विथ प्रिंसिपल्स ही वॉज डूइंग। एज अ किंग ही ऑल्सो हैड टू पे पॉलिटिक्स इन हिज लाइफ विथ हिज, वेन ही वॉज फेसिंग हिज एनिमीज, उनके साथ लड़ने के लिए उनको पॉलिटिक्स करना ही पड़ा, बट पॉलिटिक्स के साथ साथ उन्होंने क्या हर वक्त मेंटेन किया, प्रिंसिपल्स।
जब रावण से उनको लड़ना था तो उन्होंने विभीषण को अपना हमदर्द बनाया, कहीं ना कहीं इट वॉज अ पॉलिटिक्स, बट वो पॉलिटिक्स उन्होंने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किया। आई होप यू गेटिंग इट। सो पॉलिटिक्स विद प्रिंसिपल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इफ यू डोंट डू इट, इट बिकम्स अ सोशल सीन। सेकेंड सोशल सीन जो महात्मा गांधी जी कह गए वो है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। गांधी जी का कहना था आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, आपके नॉलेज के साथ अगर आपके कैरेक्टर का मेल नहीं खाता है तो आपका नॉलेज समाज के लिए कलंक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन वॉज अ हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, ही वॉज अ हाई क्लास सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन, बट उनके नॉलेज का उन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया और वो समाज को एक हम कह सकते गलत राह पर लेकर गया। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज लाइक अ सोशल सीन, वो समाज को डुबो देगा। जितने भी टेररिस्ट लोग हैं, जितने भी आतंकवादी लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इन लोगों में भी होशियार लोग हैं, बट वो अपने नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे यस और नो? सो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सेकेंड सोशल सीन। नंबर थ्री, वेल्थ विदाउट वर्क। गांधी जी का कहना था बगैर काम का कमाया हुआ पैसा समाज के लिए एक कलंक साबित होता है। वेल्थ विदाउट वर्क, और आप इसकी जीता जागता नमूना आप काफी लोगों में इसको समझ सकते हो कि जो लोग बगैर मेहनत से पैसा जो जिनके पास है वो पैसों का मिसयूज और पैसों का गलत इस्तेमाल बहुत जल्दी कर लेते हैं, बट जिनके पास मेहनत करके काम करके पैसा आता है वो अपने पैसों का गलत इस्तेमाल होने से कभी भी मतलब होने नहीं देंगे। गांधी जी का कहना था वेल्थ विदाउट वर्क है तो वो पैसा ज्यादातर समाज के बुरे कामों में और बुरे कामों में ही लगता है। अरे समझ रहे कि नहीं? सो वेल्थ विदाउट वर्क शुड नॉट बी देयर। नंबर फोर, कॉमर्स विदाउट मॉरेलिटी, जिसको लेकर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। देखो मॉरेलिटी अलग है एंड मॉरल एथिक्स अलग है, या मॉरल अलग है, मॉरेलिटी अलग है एंड मॉरल अलग है। कॉमर्स विदाउट मॉरेलिटी को कहीं ना कहीं हम कहते हैं बिजनेस विदाउट एथिक्स। गांधी जी का कहना था कॉमर्स विदाउट मॉरेलिटी मतलब क्या, बिजनेस विदाउट एथिक्स। उन्होंने एक बहुत अच्छा एक बात इसमें लिखी थी कॉमर्स विदाउट मॉरेलिटी में। उनका कहना था यू पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ आर ओनली ट्रस्टीज, यू आर ओनली ट्रस्टीज ऑफ दिस सोसाइटी। कैसे? उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जब आप इस धरती पर आए थे आप खाली हाथ आए थे, जब आप इस धरती से जाने वाले हो तब भी आप खाली हाथ जाने वाले हो। तो इस धरती पर जो भी आपने धन कमाया हुआ है, जो भी आपका वेल्थ एक्युमुलेटेड है, आपको यह समझना है आप इस धरती पर आने से पहले वो वेल्थ किसी और का था, वो वेल्थ किसी और का था। आप इस धरती पर आने के बाद अब आपके पास जो वेल्थ है वो किसी और का आपके पास आया है, और आप जाने के बाद ये वेल्थ किसी और के पास जाने वाला है, तो किस बात का घमंड है, किस बात का अनैतिक बिहेवियर है? आप कॉमर्स में हो, आप बिजनेस में हो और आपके पास एथिकल वैल्यूज नहीं है तो आपका वो बिजनेस समाज के लिए कलंक की तरह साबित होता। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, ये जिस दिन आपको समझेगा ना बाकी सब मोह माया लगेगा। यही जीवन का कटु सत्य है। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं गांधी जी की बात बोल रहा हूं, गांधी जी ने रखी हुई बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो जो गांधी जी कह गए कॉमर्स विदाउट Morality, which talks about business without ethics. Fifth one, वो कहते थे pleasure को right sense में लो, pleasure without conscience, pleasure मतलब खुशी का इजहार करना, अपने खुशी को happiness को celebrate करना, pleasure without conscience, without मतलब अपने होशावास को खोकर, अपने कॉन्शियंस को इंटैक्ट ना रखकर अगर आपने प्लेजर हैप्पीनेस को सेलिब्रेट किया वो समाज के लिए कलंक है। और उनका इसको लेकर एक्सप्लेनेशन था, जब एक व्यक्ति अपनी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करता है जो उसका हक है जो उसने करना चाहिए, बट हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करते वक्त प्लेजर को एंजॉय करते वक्त उसने कॉन्शियंस को भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज जिस वक्त वो खुशी का इजहार कर रहा है इस धरती पर कुछ ऐसे लोग भी है जो उसी समय पर दुखी है। और लाइफ इज ऑल अबाउट अ विशियस सर्कल। आपके खुशी का इजहार किसी को दुख देकर मत करो। अगर आप खुशी का इजहार किसी को दुख देकर कर रहे हो तो आपका प्लेजर वो क्या है, विदाउट कॉन्शियंस है और समाज के लिए कलंक की तरह साबित होगा। अब देखो कितनी बार ऐसा होता है, कुछ लोग बहुत बड़ा अचीवमेंट करेंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, दे विल ऑलवेज स्माइल एंड से ओके फाइन, दे विल ऑलवेज कीप देयर कॉन्शियंस इंटैक्ट। अब जस्ट इमेजिन करो
क्रिकेट प्लेयर है उसकी 100 हो गई है, 100 हो गई, उसने बैट निकाली, सबको दिखाई और उसने वापस खेलना स्टार्ट किया, बिकॉज ही हैज नॉट स्टॉप्ड ओवर देयर। बट एक दूसरा क्रिकेटर है उसकी 100 हो गई, यस या एकदम जम मार रहा है हवा में, यस 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 यस, अगले बॉल पे आउट, बिकॉज उसने अपने खुशी का इजहार रखते वक्त किस बात को भूल गया, कॉन्शियंस। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस समाज के लिए किस तरह का कलंक बन सकता है, सीन बन सकता है। आई होप यू गेटिंग इट। सिक्स्थ वन, गांधी जी का कहना था साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। मतलब क्या बोलो, गांधी जी कहते थे साइंस को तरक्की करना, साइंस में ग्रोथ लाना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से तरक्की लाना बहुत जरूरी, बट साइंस की तरक्की करते वक्त ये भूलो मत कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज है। जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो फ्रॉग्स एंड रैट्स पर होते हैं, जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है वो ये फ्रॉग्स और रैट्स एनिमल्स पर होते हैं, और कहीं ना कहीं इंसान अपने साइंटिफिक ग्रोथ के लिए, साइंस की तरक्की के लिए इंसानियत को भूलने लगा है, एंड दे आर स्पेयरिंग नो वन, ह्यूमन बींग्स। आजकल तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझो प्लीज, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज अ सोशल, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, आई होप सबको समझा। एंड द लास्ट वन, सेवेंथ सोशल सीन जिसको लेकर हम कहते हैं वर्शिप, वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस। क्या कहते हैं? वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस। गांधी जी कह गए आप बहुत वर्शिप कर रहे हो, आप भगवान को बहुत पूज रहे हो, बट आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं हो। मतलब क्या, सुन लो, कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर जाता है, भगवान को कहता है भगवान मेरी ये प्रार्थना सुन ले, मेरी ये अरज सुन ले, मैं 7 सोमवार करूंगा, मैं 11 मंगलवार करूंगा। भगवान की तरफ आप कुछ मांग के आते हो, प्रार्थना कह के आते हो, वही मंदिर से बाहर आते हो, किसी एक गरीब व्यक्ति को रोड क्रॉस करना है, आप उस वक्त बहुत बिजी हो जाते हो आपके काम के लिए और वहां से निकल जाते हो, तो आपके उस वर्शिपनेस को कोई मीनिंग है? आपके उस वर्शिपनेस को कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज अगर आप ह्यूमन बींग्स की मदद नहीं कर सकते हो, आप ह्यूमन बींग्स के लिए आपका वक्त दे नहीं सकते हो, सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो, तो आपके वर्शिप हैज गॉट नो मीनिंग। आपका वर्शिप जो है ना वो कुछ नहीं है, समाज का एक ऐसा कड़वा सच है जो आज हर व्यक्ति समाज के अंदर भूल चुका है। वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस बिकम्स अ सोशल सीन फॉर द सोसाइटी। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे पूछोगे तो यस, कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए दिन रात पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत ले रहा है, बहुत मेहनत ली है, एग्जाम उसने दिए और उसके बाद वो रिजल्ट तक भगवान की प्रार्थना कर रहा है, तो हम कह सकते हैं दैट वर्शिप इज विद सैक्रिफाइस। बट कोई स्टूडेंट फुल टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई के नाम पे झोल कर रहा है, एग्जाम हो गई है और रोज भगवान के मंदिर में जाके नारल फोड़ता है कि भगवान मुझे पास करवा दे, मुझे पास करवा दे, मैं वापस एक बार आऊंगा, वापस आऊंगा, दैट सैक्रिफाइस जो तुम कर रहे हो, जो वर्शिप जो वो कर रहे हो, वो विदाउट सैक्रिफाइस दैट इज हैज गॉट नो मीनिंग। वंस यू गिव योर ओन बेस्ट, आप आपका सैक्रिफाइस करो, उसके बाद आप वर्शिप करो, दैट इज गॉट सम मीनिंग। सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट व्हेन इट कम्स इज देयर वैल्यूएबल टाइम, जो आपने आपके इस करियर के लिए देना बहुत जरूरी होता है। सैक्रिफाइस डजंट मीन दैट ऑलवेज मनी इट कम्स, वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव इन योर हैंड दैट इज सैक्रिफाइस। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं वॉट एग्जैक्टली सैक्रिफाइस, जो हम लोग कभी कभी एथिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं। घर में मान लो चॉकलेट्स है, 5 फैमिली मेंबर्स है और 5 ही चॉकलेट्स है, 5 चॉकलेट्स अलग अलग वैरायटी के हैं, सबके सामने रखे गए, सबको उसमें से पिकअप करना है, एवरीवन विल ट्राई टू पिकअप फर्स्ट, देयर आर सम पीपल हु विल से ओके सबका हो गया तो फिर मैं लेता हूं, व्हाई, बिकॉज ही बिलीव्स कि इस चॉकलेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबको जो मिलना है वो ले लो, एंड में लूंगा, और वो जो एंड में ले रहा है ना वो सैक्रिफाइस करके ले रहा है, बिकॉज ही जो पहले ले रहा था उसके पास 5 ऑप्शंस थे, जो एंड में ले रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, जो मिला है वो उसने लिया है, उसको सैक्रिफाइस करते हैं, जो मिला है वो ले लो उसे हम सैक्रिफाइस मानते हैं। डोंट एक्सपेक्ट समथिंग मोर, जितना मिला है उसी को आप क्या करो, लेकर उसको सेटिस्फाई होने की कोशिश करो। वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, सिर्फ भगवान को पूजना और सैक्रिफाइस ना करना समाज के लिए कहीं ना कहीं एक गलत राह पर लेके जाता है, सोशल सीन है। 7 सोशल सीन्स गांधी जी के, अभी क्यों पढ़े,
Because somewhere down the line, you must know you're not studying only for your exam. ये जो सेवन सोशल सीन्स है कहने के लिए तो हम पूरा 24 घंटा इस पर बात कर सकते बिकॉज इनमें हर एक प्रिंसिपल जो हर एक सीन दिया ना इट हैज गॉट ट्रिमेंडस मीनिंग इन डेप्थ. हमको समझना गांधी जी का इन सेवन सोशल सीन्स के पीछे बताने का क्या मकसद था जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत जरूरी है समझना. एंड इफ यू जस्ट सी हमने जो बेसिक्स लिखा है ना आज मतलब जो देखना है हमें उनमें से 9 बेसिक्स में से हमने फर्स्ट 6 कवर कर लिए. फर्स्ट 6 कवर कर लिए. जो 7th 8th और 9th पेंडिंग है वो हमारा एक और लेक्चर लेगा विच विल कवर द बेसिक्स ऑफ एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी एंड वी कैन स्टार्ट अवर सिलेबस फॉर एथिक्स द फर्स्ट 2 चैप्टर्स जिसमें से मैं कह दूं लगभग पहले चैप्टर का आधा डिस्कशन मैंने बेसिक्स में ही कर लिया. सो वंस वी कम टू द फर्स्ट चैप्टर कम टू नो ये चीज तो हमारी हो चुकी है. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज गिवन इन द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल. क्लियर है? सब लोग लंबी सांस लो. फिर से लो एक बार. रिलैक्स, काम योर माइंड. रोज रोज जय माता दी बोलने की जरूरत नहीं, मन में बोल दो. ठीक है? थैंक यू.